सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मिलाईगढ़ के सामुदायिक भवन में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री शाला और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए प्रशिक्षकों ने विकासखंड के सभी स्कूलों से एक एक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। तो वही विकासखंड स्रोत समन्वयक ने बताया कि यह प्रशिक्षण व्यक्तिगत, घर, परिवार और समुदाय के लिए आवश्यक है। कवर्धा में आदिवासी समुदाय के मंदिर में झंडा लगाने के नाम पर भारी विवाद हो गया, जहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। वहीं बीच बचाव करने पहुंची पुलिस बल पर भी हमला किया गया, जिसमें एसपी, एएसपी सहित कई टीआई और जवान घायल हो गए। पूरा मामला थाना भोरमदेव अंतर्गत ग्राम हरमो का है। किसी प्रकार का आपराधिक घटना न हो जाए, इसलिए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर। पुलिस को चोटें भी आई है, पुलिस को चोटें भी आई है, जो 10-15 अधिकारियों को चोटें आई है, जिस पर एडिशनल डीएसपी, मैं स्वयं और हमारे जो टीआई नीचे के स्टाफ शामिल हैं, जिनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी उनको अभी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी यहाँ की मौके की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे आपराधिक कृत्य पर पुलिस प्रशासन ने बुलाया, लेकिन किसी का बात नहीं माना और अंत में उसने हाथा पहन में आ ही गया और जबरदस्ती हमारे माँ बहन ने हाथ डालने के प्रयास किया, तब पुलिस वाले ने चार्ज किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी रहे ओम माथुर पहली बार अंबिकापुर के सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ने कहा कि इस बैठक में सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों पर हार की समीक्षा भी की गई है। बकावन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि जिन अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे, उन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल ये अपराधी कई समय से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस की टीम लंबे समय से खोजने की कोशिश कर रही थी। महासमुंद में झाड़फूंक के नाम पर 3 सेवादारों ने नाबालिग लड़की को अगवा किया और तंत्र मंत्र के नाम पर नाबालिग के मुंह में जलती लकड़ी डाल दी। सेवादारों ने प्रताड़ना से बुरी तरह से नाबालिग को घायल कर दिया, जिसके बाद मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के सिन्हा समाज के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया और लड़की के परिजन आश्रम पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कुछ एक लड़की, नाबालिग लड़की थी डटसेना करके, तो उसको उसके माँ बाप इलाज हेतु उसको वहाँ छोड़ के आए थे, जिस पर से वो इलाज के बहाने उस व्यक्ति ने उनको बंधक बना के रखा और उसने जब विरोध किया तो उसको मुंह में आग डालने की कोशिश की, इसी पर हमारे द्वारा मारपीट की उसके साथ। उसके द्वारा पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा उसका तत्काल 3 लोगों के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है और धारा 307 लगाई गई है और जितनी भी सुसंगत धारा है उनमें उन पर कार्रवाई की जा रही है। बकावन में मालवाहक वाहन अपनी गाड़ियों में सवारी भर बेधड़क गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां आरटीओ ने मालवाहक गाड़ियों का सवारी उपयोग में इस्तेमाल प्रतिबंधित रखा है, इसके बावजूद पुलिस थाने में सामने से उक्त वाहनों का आवागमन हो रहा है, फिर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्षेत्र में पिकअप वाहनों में पब्लिक की बड़ी संख्या में आवाजाही की जानकारी मिली है। लगातार एनएफ की कार्रवाई की जा रही है और समय समय पर पिकअप वाहनों के मालिकों को बुलाकर उन्हें समझाइश भी दी जा रही है और लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसमें
अकलतरा में थाना प्रभारी को अवैध रूप से क्लिनिक चलाने की सूचना मिलने पर सीएससी अकलतरा ने मेडिकल टीम के साथ जाकर रेड कार्रवाई की, जहां बिना कोई डिग्री के चिकित्सा का व्यवसाय करना पाए जाने पर पंचनामा कार्रवाई कर सील बंद कर दिया गया, जिसके बाद संबंधित डॉक्टर के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि प्लेसमेंट कैंप में सिलेक्शन के नाम पर छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिसके बाद छात्रों ने मामले की लिखित शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की है। जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के तहत जांच मूल्यांकन परीक्षण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना में सीनियर सिटीजनों ने अपना नाम पंजीकरण करवाया है। परीक्षण के उपरांत पात्र होने पर उन्हें घरों पर निःशुल्क उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सर्वविदित है छत्तीसगढ़ शासन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं का सारा हिंदुस्तान और पूरा देश लोहा मानता है। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना, हर वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई गई है वो पूरे देश के अन्य राज्यों में लागू हो रही है। इसी कड़ी में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा आज यहाँ बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में सातों जिले के संभाग स्त्री वरिष्ठ जन जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनको बुलवाया गया है। मैं उपसंचालक समाज कल्याण बस्तर से हूँ और आज हम यहाँ पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। वरिष्ठ जनों के लिए जो है हम परीक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। सारे वरिष्ठजन जिनको भी व्हीलचेयर की आवश्यकता होगी, बैसाखी की आवश्यकता होगी, छड़ी की आवश्यकता होगी या उनको चश्मे की आवश्यकता होगी, इन सारे आवश्यकता का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है। उसके बाद में इनका जब पंजीयन और मूल्यांकन हो जाएगा तो हमारा योजना है कि आने वाले महीनों में इनके लिए जो भी सामान उपलब्ध कराना होगा और उनको घर तक उसको पहुँचाया जाएगा। सकती में भाजयुमो अध्यक्ष पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। बता दें कि अवैध रेत खनन का विरोध कर रहे युवा मोर्चा के पदाधिकारी को ट्रक से कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया गया। अकलतरा में थाना प्रभारी ने शराब बिक्री होने की सूचना प्राप्त होने पर उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने रेड कार्रवाई की, जहां 6 आरोपियों के कब्जे से कुल 102 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ उचित धारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में सीएसईबी कॉलोनी में कई दिनों से एक मकान में अराजक तत्वों ने कब्जा किया हुआ था। वहां शराब और हुक्के का इंतजाम किया हुआ था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मकान में छापा मारा और नशीले पदार्थों की जब्ती करड़ की, जहां बड़ी संख्या में शराब की बोतलें और एक हुक्का भी बरामद किया गया है। रायगढ़ में घरघोड़ा तमनार में बृहद राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही शिविर में तहसील के राजस्व की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान तहसील कार्यालय में एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त राजस्व निरीक्षक, पटवारी और लिपिक सभी उपस्थित रहे। महोदय के निर्देश में राजस्व शिविरों का आयोजन प्रत्येक गुरुवार को करने का हमको गाइडलाइन था। उसमें घरघोड़ा और तमनार दोनों जगह पे आज राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। घरघोड़ा में 634 कुल प्राप्त हुए और तमनार में 777। कुल हमारे अनुविभाग में 1411 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से घरघोड़ा में 550 और तमनार में 736 का निराकरण हुआ है। कुल 1286 निराकरण हुए हैं और लंबित जो है हमारे घरघोड़ा में 84 और तमनार में
140 लंबित हैं, कुल 125 लंबित हैं, जिसका हम बहुत टाइम समय सीमा में निराकरण कर लेंगे। इसके साथ ही अकलतरा के डंगरापारा में पुलिस ने कच्ची शराब समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। बता दें कि आरोपी के कब्जे से 9 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। रायगढ़ में मेट्रो मोनोरेल साइट पर महिलाओं को जाल में फंसाकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी खुद को आईबी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अफसर बता रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपी कई महिलाओं के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसमें कुल 17 युवतियों से धोखाधड़ी करने की जानकारी मिली है। जी, पिछले माह फरवरी में एक हमारे पास सूचना आई थी। एक पीड़िता धर्मजगर क्षेत्र की, जो कि शासकीय सेवा में है, वह एसएसपी सर के पास आई थी। उसने बताया कि उसके साथ में मैट्रिमोनी साइट के जरिए वो एक युवक के संपर्क में आई थी, जिसने बाद में 30 लाख रुपए के आसपास की उसके साथ में ठगी कर दी। मामले में उसने ये भी बताया एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, कि कुछ और महिलाएं भी हैं जिसके साथ उसने इस प्रकार की ठगी की है। मामले की जानकारी मिलते ही इसको गंभीरता से एसएसपी सर ने लिया और एक स्पेशल टीम इसके लिए गठित की गई टीआई सीताराम ध्रुव के नेतृत्व में। और इसमें फिर हमने सबसे पहले तो हमने जीरो सरायपाली के ग्राम अर्जुंडा में स्थित बाबा खाटू श्याम के भव्य मंदिर में निःशुल्क नेत्र शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें समिति सरायपाली के सदस्यों के सहयोग में चिकित्सकों की टीम और नेत्रालय हॉस्पिटल की मोबाइल वैन और डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर असहाय और गरीब लोगों का निःशुल्क जाँच परीक्षण और निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा देकर लोगों को लाभ पहुँचाया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 500 से भी अधिक लोगों ने पहुँचकर अपनी विभिन्न बीमारियों का परीक्षण करवाया। समिति द्वारा और अग्रवाल नर्सिंग के सहयोग से आज 3 मार्च को एक विशाल निःशुल्क शिविर रखा गया है, जिसमें अग्रवाल नर्सिंग की पूरी टीम विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जैसे कि हड्डी रोग विभाग, शिशु रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, सर्जरी विभाग, दंत रोग विभाग और जनरल मेडिसिन विभाग। लगभग आज शिविर में 400 मरीजों का रोग निदान किया गया है। हमारे वैन में आई चेकअप के लिए सारी सुविधाएं हैं, जो बेसिक स्क्रीनिंग में लगती है कैटरेक्ट के लिए, तो मोतियाबिंद के जितने भी पेशेंट हैं हम यहाँ से स्क्रीन करके ले जा रहे हैं, उनको अपने हॉस्पिटल का एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ पे फ्री में उनका ऑपरेशन हो जाएगा, तो उनके लिए डेट दी जा रही है। बाकी जिनको चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मा नंबर दिया जा रहा है, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो दवाएँ हमारे तो चेक करा रहे हो कहीं का पहले आपने चेक करा रहे हो कहीं का कहीं कब तक पैसा लगी 10,000 आई कैंप लगा हुआ है अग्रवाल हॉस्पिटल से बसना से, और हमको पता चला कि अर्जुंडा में आई कैंप लग रहा है और निःशुल्क, तो हमारे माताओं को हमने जानकारी दी और ये तैयार हुए और यहाँ पर आने के बाद उपलक्ष में श्री श्याम सेवा समिति शाही पाली के तत्वाधान में अग्रवाल नर्सिंग होम बसना के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि श्री श्याम सेवा समिति का कहना है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, उसी को चरितार्थ करते हुए हम आज यह निःशुल्क शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा असहाय व्यक्तियों को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही में बाहर से आए हुए मरीजों की भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है, उनके आने जाने के लिए और प्रचार प्रसार मतलब उनके इलाज के लिए। पामगढ़ में भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता पामगढ़ थाना पहुंचे, जहां पामगढ़ तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि भीम रेजिमेंट के पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायत के कोटवार को निलंबित करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने बैठकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने
एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। थाना आके इन्होंने सबसे पहले ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में पहले वहाँ के कोटवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की बात भी लिखा गया है कि उनके द्वारा कई लोग से को अत्याचार करता है, गुंडागर्दी करता है। उसी के खिलाफ ये लोग 28 तारीख को एसडीएम कार्यालय का घेराव किए थे, जिस पर से इनमें से भीम रेजिमेंट के कुछ लड़कों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। घेराव शांतिपूर्ण था, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा द्वेषपूर्ण नीति से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लड़कों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 147, 188 के अंदर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। और साथ ही साथ वहां के अभी तहसीलदार है अश्विन कुमार चंद्रा, उनके द्वारा हमारे लड़कों को जाति सूचक गाली दी और साथ ही साथ बाबा जैसे को घटिया व्यक्ति कहते हुए, मतलब उनकी तुम यहाँ पर जयकारा मत लगाओ, इन सारे शब्दों से वहाँ पर बोला। इसलिए आज अश्विनी कुमार चंद्रा जो तहसीलदार है उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और राजपुर में बीते बुधवार को एक युवा व्यवसायी को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद व्यवसायी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के पानी सप्लाई पाइप के फट जाने से सड़क पर पानी भरा हुआ था, जिसमें व्यवसायी सड़क से नीचे नहीं उतर पाया और ये दुर्घटना हो गई। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।